सो गाइस अभी हम लोग यूनिवर्सिटी वापस जा रहे हैं, लाइसेंस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला फाद भाई? वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग गाइस। अभी फिलहाल बज गया है सुबह के 9 और आज है फ्राइडे। अभी फिलहाल मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ और मेरी क्लासेस होने के बाद आज मैं ड्राइविंग टेस्ट देने जा रहा हूँ, बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम। तो मैं अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ, नाश्ता करते करते मैं आपको और डिटेल्स बताऊँगा। और ये वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि लाइक लाइसेंस अप्लाई करने के लिए प्रोसेस क्या था लाइक US में, और बाकी वो सब इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो गाइस मौसम लाइक यू नो थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, पीछे कुछ दिन लाइक बारिश वगैरह हुई थी, आज जो मौसम है लाइक बादल वगैरह वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, बट कुछ दिनों लाइक यू नो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, सुबह सुबह लाइक ब्लैक बादल थे और ठंडी वगैरह चालू हो गई है। थोड़े दिनों में बारिश चालू हो जाएगी रोज़, फिर उसके बाद बर्फ़, तो वो वाले भी आपको व्लॉग्स दिखाने हैं बारिश और बर्फ़ के। बट तभी मुझे पता नहीं मैं कितना ट्रैवल कर पाऊँगा, तो फिर देखते हैं कि लाइक बाहर के व्लॉग्स कितने आएंगे। तो मैंने एक सोचा है कि लाइक मैं इन्फॉर्मेटिव व्लॉग सीरीज़ शुरू करूँ, जहाँ पे लाइक मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे लाइक यू नो US में कैसे अप्लाई करो, या फिर यूनिवर्सिटी लाइक कैसे सिलेक्ट करनी है, वीज़ा का प्रोसेस हो गया, या फिर एग्ज़ाम्स कौन सी देनी है, वो वाले क्वेश्चंस आंसर करूँ, लाइक यू नो मेरे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ। तो सोच रहा हूँ कि तभी वो वाले मैं इन्फॉर्मेशनल व्लॉग्स बनाऊँ। सो गाइस US में क्या होता है ना कि लाइक हर एक स्टेट के अपने अलग रूल्स एंड लॉज होते हैं ड्राइविंग के रिलेटेड, तो फिर आपको वो सीखने होते हैं लाइक पढ़ने होते हैं। बेसिकली एक हैंडबुक मिलती है ऑनलाइन, आप वो रीड कर लो, समझ लो और जाके ऑनलाइन टेस्ट दे दो, और वो होने के बाद आप लोग लाइक यू नो ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो एक्चुअल जो लाइक यू नो गाड़ी में बैठ के। तो अभी फ़िलहाल मैं ओहायो की ड्राइविंग टेस्ट दे रहा हूँ। रूल्स क्या क्या अलग होते हैं, लाइक छोटे मोटे रूल्स अलग होते हैं, जैसे लाइक स्पीड लिमिट्स हो गई, या फिर वन वे टू वे वन लेन टू लेन रोड्स के लाइक यू नो डिफरेंसेस होते हैं, तो ये वाले अलग अलग चीज़ें हैं। तो हर एक स्टेट की अलग अपनी टेस्ट होती है, बट अगर मैंने ओहायो में लाइसेंस निकाला तो फिर मैं पूरे US में किधर भी गाड़ी चला सकता हूँ। और इंडिया में क्या होता है कि लाइक हम लोग जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको लाइक एज अ इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लाइक यू नो बोलते हैं, बट यहाँ पर ओहायो स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस, मिशिगन स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस ऐसा होता है। नाश्ता तो हो गया, नाश्ता काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया। पैनकेक्स थे, पोटैटो हैश, टैटर टॉट्स, भाई बढ़िया था एकदम। तो अभी फ़िलहाल रूम में जा रहा हूँ, लेक्चर है, लेक्चर होने के बाद ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाऊँगा। तो गाइस अभी क्लास शुरू होगी थोड़ी देर में, अभी बस 5 स्टूडेंट्स आए हैं, 10 बजे क्लास है, 9:58 हो गया। तब तक मैं आपको ओहायो की जो हैंडबुक है लाइक BMV की वो बता दूँ। जैसे अभी ये हैंडबुक है तो इसके अंदर यू नो लाइक सब ऐसे साइंस होते हैं, आपको ये पढ़ के जाने हैं, जितने भी रूल्स होते हैं लाइक यू नो उनका क्या मीनिंग है वो पढ़ना है आपको, और ये सब आप पढ़ के जाते हो एंड उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देते हो। तो बेसिकली जैसे सिमिलर इंडिया में आप लाइक यू नो रीड करके जाते हो, समझ के जाते हो, और एक MCQ एग्ज़ाम होती है वो दे के आप पास हो जाते हो, वो आपका ये होता है लाइक लर्नर्स लाइसेंस होता है, उसके बाद आप फाइनल लाइक यू नो ड्राइविंग टेस्ट दे के परमानेंट लाइसेंस लेते हो। तो सेम आज मैं जाऊँगा, पहले विजनरी टेस्ट होगी वहाँ पर। अभी ये एग्जैक्टली क्या है लाइक यू नो कैसे प्रोसेस है वो मुझे नहीं पता, बेसिकली मेरा विजन टेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं जाऊँगा लाइक ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, लाइक वहाँ पर ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम दूंगा। 40 क्वेश्चंस होंगे MCQ, उसमें से मुझे 30 करेक्ट चाहिए, और उसके बाद वो लाइसेंस मिलने के बाद लाइक कुछ टाइम पीरियड होगा शायद से, मैं वो पूछ लूँगा, मुझे पता नहीं, उसके बाद मैं परमानेंट लाइसेंस लाइक यू नो ड्राइविंग टेस्ट दे के ले सकता हूँ। तो अभी देखते हैं आज क्या होगा। सो गाइस अभी फ़िलहाल मेरा लेक्चर वगैरह हो गया और फहद भाई आएंगे मुझे पिक करेंगे और फिर हम लोग साथ में जाएंगे BMV टेस्ट वगैरह देने। बट उसके पहले मैं लाइक जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहा था, मैं आपको वेबसाइट वगैरह बता देता हूँ। तो बेसिकली ये वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर लाइक यू नो ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह होते हैं, लाइक आप लोग क्लिक करो और MCQ क्वेश्चंस होंगे। तो ऐसे बहुत सारे टेस्ट, जैसे ये वाली जो टेस्ट है, ये वाली लॉक टेन के लिए आपको पे करना होता है, कुछ टेस्ट फ्री होती है, कुछ आप पे करते हो, तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। लाइक बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके ऊपर आप लाइक यू नो क्वेश्चन आंसर दे के लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो। सो
मेरे ख्याल से लाइक उतना काफ़ी होना चाहिए आपको, लाइक यू नो बेसिक जनरल नॉलेज लाइक जो होती है इधर के रूल्स एंड लॉज के लिए। हम लोग BMV आए थे, मैं अंदर गया, टेस्ट वगैरह दी, टेस्ट में पास हो गया। बेसिकली दो टेस्ट थी, एक था विजनरी टेस्ट, उसके अंदर लाइक यू नो जब भी आप एक आई डॉक्टर के पास जाते हो अपने लाइक आँखों का चेकअप करने, तो वो लाइक पैराशूट वगैरह होता है, लाइक यू नो आप देखते हो तो अंदर, तो सेम चीज़ होती है उसके अंदर, लाइक टेक्स्ट वगैरह होता है वो आपको रीड करना होता है, वो बोलते हैं कि लाइन 4 का रीड करो, लाइन 5 का रीड करो, प्लस लेफ्ट और राइट में कुछ ऐसे लाइट्स ब्लिंक हो रही होती है, तो फिर वो चेक करते हैं बिकॉज आपको 70 डिग्रीज लाइक यू नो आपकी आँखें उतना आपको देखना होता है लाइक 70 डिग्रीज तक, तो वो होता है। अगर आप उसमें पास होते हो तो आपको वो कंप्यूटर पे जाके लाइक यू नो रिटन टेस्ट होती है बेसिकली ऑनलाइन, लाइक यू नो MCQ वो देनी होती है। तो मेरे लाइक 30 क्वेश्चन सही आ गए और उतने में टेस्ट ख़त्म हो गई, आगे के जो क्वेश्चन है मुझे नहीं देने। और अभी आज फिलहाल बहुत गर्दी अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा गर्दी है। तो हम लोगों ने सोचा कि लाइक अभी इतनी ज़्यादा गर्दी है तो फिर मंडे को आएंगे वापस सुबह सुबह जल्दी और लाइसेंस लेके जाएंगे। 60 डेज़ के अंडर हम लोग कभी भी आ सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं। और उन्होंने बोला कि लाइक आप पूरे US में कोई भी ड्राइविंग एजेंसी के पास जाके अपना जो लाइक यू नो ऑफिशियल गवर्नमेंट की एजेंसी होती है वहाँ पर जाके अपना लाइसेंस ले सकते हो। सो फहद भाई, कैसा था, सही था? Yeah, it was good. आपने लाइसेंस निकाला है भाई, तो आप ही बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ भाई मजा है, मेरे को तो टेंशन था काफी कि होगा नहीं होगा, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस गलत हो रहे थे लाइक बहुत सारे, लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि लाइक यू नो वो मैंने लाइक बुक में भी नहीं पढ़े, लाइक थे ही नहीं, बहुत सारा ऐसा ऐसी चीजें थी। और कुछ जनरल नॉलेज था लाइक कॉमन सेंस वाले, वो तो लाइक बहुत फटाफट हो गए। तो बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि आप सिग्नल्स है, स्पीड अपना स्पीड लिमिट्स है, वो सारे चीजों के आप ध्यान रखोगे जैसे इजी। या एंड उसमें और एक क्या था कि लाइक मैं उसमें क्वेश्चन स्किप कर सकता हूँ बेसिकली, अगर मुझे लग रहा है ना कि नहीं यार मेरे को ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैंने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया और लास्ट के लिए रखा। तो उसमें ये फायदा हो गया कि मेरे को सिर्फ 30 अटेम्प्ट करने थे, मेरे को सारे 40 अटेम्प्ट नहीं करने, तो जो जो डिफिकल्ट लग रहे थे मैं स्किप करते गए और वो लास्ट में चले गए सब, तो ईजी वाले क्वेश्चन मैंने पहले कर लिए, तो थोड़ा सा उसकी वजह से प्रेशर कम था क्योंकि गलत आंसर होते हैं तो लाइक प्रेशर बिल्डअप होता है, टेंशन आता है फिर। पर हो गया कुछ, तो भी 7 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे। But yeah, I'm glad you passed in the first test because a lot of people are not able to pass the test in the first attempt. मैं पूरा रात पढ़ाई कर रहा था, like बहुत ज़्यादा नहीं but like ऊपर से पढ़ रहा था और मैंने like almost सारी practice test दे दी थी फटाफट। सही है। Yes. चलो अभी घर जाएंगे, आप किधर जा रहे हो? आपका खाना हो गया? खाना बाकी है भाई। खाना है फिर अभी साथ में? खाना क्या खाएंगे? डाइनिंग हॉल। Yeah, let's go dining hall. चलेगा फिर अभी डाइनिंग हॉल जाते हैं। मैं सुबह सुबह नाश्ता करके आता हूँ, वापस अभी खा लेंगे। मैं तो अभी भी नींद में हूँ। नींद में गाड़ी नहीं चलानी? नहीं 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 चलाऊंगा। चीज गाइस लाइक मैं ये बताना भूल गया कि लाइक मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाया था। सो बेसिकली मेरे पास मेरी स्टेट आईडी थी जो मैंने लाइक लास्ट सेमेस्टर बनाई थी, तो वो स्टेट आईडी में लेकर आया था। अगर आपका स्टेट आईडी नहीं और आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो फिर आपको SSN यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर जो इंडिया के पैन कार्ड के लाइक यू नो सिमिलर चीज़ होती है वो लगता है, प्लस आपको आपका पासपोर्ट लाना होता है। बट स्टेट आईडी से काम बहुत इजी हो जाता है। सो इवन इफ अगर आप इधर लाइक यू नो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाते हो तो BMV आकर अपना लाइक यू नो स्टेट आईडी बना लिया करो बिकॉज इट्स एन ऑफिशियल आईडी, आप पूरे US में किधर भी यूज़ कर सकते हो और हर एक जगह पे आपको पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस आज है ट्यूसडे और अभी फाइनली हम लोग लाइसेंस लेने जा रहे हैं मैं और फहद भाई। उस दिन मैंने आपको बताया था कि लाइक टेम्प्रेरी लाइसेंस की एग्ज़ाम देने के बाद आपके 60 डेज होते हैं आपका लाइसेंस कलेक्ट करने, तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्दी थी, तो अभी आज जाएंगे देखते अभी गर्दी है या नहीं और कलेक्ट करते हैं गाइस, फिर मैं गाड़ी चला पाऊँगा। तो गाइस अभी हम लोग यूनिवर्सिटी वापस जा रहे हैं, लाइसेंस नहीं मिला। क्यों नहीं मिला फहद भाई?
I-20 मिसिंग। तो गाइस मेरे पास स्टेट आईडी है मेरा, तो तभी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराए थे, तो मुझे लगा कि लाइक उनको बस पासपोर्ट देखना होगा, बाकी SSN और मेरा स्टेट आईडी, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने ऑलरेडी एक बार वेरीफाई किए और उनके पास होंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जितने बार भी, बिकॉज आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो जितने बार भी आप जो भी कुछ लाइक यू नो लाइसेंस लेने आ रहे हो, परमानेंट लाइसेंस हो गया, स्टेट आईडी हो गया, आपको हर टाइम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, क्योंकि वो हर टाइम वेरीफाई करेंगे। तो अभी वापस उधर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा मैं बाहर रुका था, और अंदर जाने के बाद उन्होंने बोला, बाहर बताया ही नहीं। तो मैंने उनको बोला कि लाइक मैं वापस लाइक इतना देर वेट तो नहीं करूँगा। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप ले आओ और आपको हम लोग लाइक यू नो डायरेक्टली अंदर एंट्री दे देंगे, आपको बस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपका लाइसेंस कलेक्ट करना होगा। अभी पर उनका जो फॉर्म था ना, जो मैंने फिल किया, उस पर लिखा था कि लाइक मेलिंग एड्रेस। तो अभी मुझे ये भी नहीं पता कि लाइक वो मेल करने वाले या फिर लाइक लगेज देंगे हाथ में। नहीं, मेल करेंगे। तो लाइक लगेज नहीं आएगा वो लोग, सिर्फ पेपर देंगे। बट उसको मैं यूज कर सकता हूँ गाड़ी चलाने? हाँ, यूज कर सकते। ओके, फिर वो सही है, फिर लाइक पेपर लाइक लेकर गाड़ी चलाना चालू हो जाएगा। सो सैड लाइफ, वापस जा रहे हैं और आएंगे अभी थोड़ी देर में। 2000 years later तो भाई क्या कर रहे हो? सैलेड खा रहा हूँ सर जी। ब्रो मेरा लाइसेंस आ गया ना। Congratulations Pawandeep, you got it, deserve it. So guys, finally हम लोग वापस आए, I-20 वगैरह लेकर अंदर गया, थोड़ा सा टाइम लगा। तो बेसिकली टेम्प्ररी परमिट लेने के लिए $23.50 लगते हैं। तो हो गया, अभी मैं कभी भी आकर लाइक ड्राइविंग टेस्ट दे सकता हूँ और जो परमानेंट लाइसेंस है वो ले सकता हूँ। ये वाला लाइसेंस बेसिकली 1 साल तक अभी वैलिड है। सो अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। और बाकी ये वीडियो के लिए इतना ही था। सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड वन।